गुरु द्वारा श्री गुरु सिंह सभा गृहनगर में मनाई गई श्री गुरु रविदास जयंती, जिसमें बच्चों द्वारा कराया गया कीर्तन। तस्वीरें आप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गृहनगर की देख रहे हैं, जहां पर श्री गुरु रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें बच्चों बड़े बूढ़ों सब ने अपनी बराबर भागीदारी दिखाई और यहां पर आके अरदास मनाई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पूरे गुरुद्वारे को प्रकाश पर्व के मौके पर फूलों मालाओं और वह गुब्बारों से सजाया हुआ है। और आज यहाँ पर यह खास बात रही कि बच्चों ने यहाँ पर कीर्तन गाया, क्योंकि यहाँ के मंडली का कहना है कि बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, जिससे सबसे पहले शुरुआत उनको कीर्तन गवाकर यहाँ पर की जा रही है, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति जाने और अपने गुरुओं के बारे में जाने, किस तरीके से उनके गुरुओं ने देश के लिए और धर्म के लिए काम किया है। तस्वीरें आप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चों द्वारा कीर्तन कराया गया और लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अरदास मनाई। इस बार गुरु रविदास जयंती बच्चों द्वारा ही आयोजित की गई और बच्चों ने यहाँ पर कीर्तन गाया। पूरी तरह से बच्चे यहाँ पर अपना उत्साह दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और कीर्तन गाते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से वह अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं आप साफ इसमें देख सकते हैं। और गुरुद्वारा मंडली भी यही चाहता है कि बच्चे उनकी संस्कृति के बारे में जाने कि किस तरीके से उनके गुरुओं ने देश और धर्म के लिए काम किया है। तस्वीरें आप गृहनगर की देख रहे हैं, जहाँ पर लोग गुरुद्वारे में पहुँचे, गुरु रविदास जयंती पूरे उल्लास के साथ मनाई और अपनी अरदास करी। मेरा नाम रवनीत सिंह है, मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गिरिनगर गुरुद्वारे का सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे गुरुद्वारा साहिब में साहिब श्री गुरु हर राय जी का प्रकाश पुरब अते भगत रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाया गया। भगत रविदास जी की बाणी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में उचेचे तौर पर गुरु महाराज जी ने दर्ज की गई है। इसमें गुरु महाराज जी ने 13 हिंदू कवि, हिंदू भगत एवं 2 मुस्लिम कवियों की भी, भक्तों की भी वाणी इसमें उचारी है। इस हमारे गुरु महाराज ने इन सब की वाणियों को इकट्ठा करके इस गुरु ग्रंथ साहिब जी को संपूर्णता सहित गुरु जी का दर्जा दिया। उन्होंने ये उद्देश्य दिया कि गुरुवाणी जो गुरु की है वो सिर्फ सारी जगत को एक समांतर लेके जाने के लिए बनाई गई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। आज यहाँ पे कीर्तन भी हुआ, बच्चों ने बड़ी भागीदारी दिखाई, तो किस लिए बच्चे आज दिखा रहे हैं भागीदारी, क्या आप संदेश उन तक देना चाहते हैं? हमने इलाके के बच्चों को जो भी आज के बच्चे हैं हमारे इलाके के, वो कीर्तन के राही अब आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हम भी गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को और बता सके कि हम वाणी और बाणे दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो लोग पहुँचे आज आज गुरुद्वारा साहिब में, इलाके से हर जगह से हमारे पास संगत पहुंची है। विशेष तौर पर हमारे गुरुद्वारे साहिब में रजिंदर सिंह राजू वीर जी फरीदाबाद वाले उच्चे तौर पर गुरबाणी के साथ संगतों को गुरबाणी के साथ निहाल करने पहुंचे हैं।